गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक है और रिवीजन पूरा करना ज़रूरी है, तो आइए हम आज से शुरू करें क्विक रिवीजन सीरीज। और इसमें आज हम समझेंगे अध्याय एक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की अगर बात करें, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मुख्य क्रियाएँ होती है जैसे कि रंग परिवर्तित होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया को आप समीकरण बनाते हो तो दो तरीके से समीकरण बनता है। एक है शाब्दिक समीकरण लिखा जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या होगा है, जैसे कि इसको अगर आपने इस तरीके से लिख दिया यानी कि संकेत और फॉर्मूला के रूप में, तो ये इसको कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बन गया, MgO। अगर आप इसकी तुलना करें तो इससे पहले आप ये समझिए कि ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं अभिकारक और इधर वाले हिस्से को कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या की तुलना अगर करें तो यहाँ पर देखेंगे आप Mg एक है और यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है। तो इस तरीके से ये है असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम के नियम का पालन करना भी आवश्यक है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण, ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, यानी कि ना तो द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो इसलिए इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि परमाणुओं की संख्या समान रहे, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में उपस्थित जो परमाणु संख्या हो वो बराबर हो। और तत्वों की भौतिक अवस्था को भी लिखना चाहिए, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, जलीय विलयन के लिए AQ और गैस के लिए जी। संतुलित समीकरण का ये उदाहरण है 2Mg, यानी कि मैग्नीशियम के दो अणु जब ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो अणु बनते हैं, ये दो अणु हैं। संतुलित समीकरण दो प्रकार के मुख्य रूप से होती है। एक होता है जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, उसमें छिपी नहीं होगा, उसमें शोषी। और जब ऊर्जा निष्कासित होती है तो उसको कहते हैं उसमें छिपी। उसमें का शोषण करना उसमें शोषी और उसमें का निष्कासन करना उसमें छिपी। अब अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य प्रकार निम्न है, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में ही होती है उष्मा छिपी अभिक्रिया, और फिर होते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि अलग अलग होना, तो वियोजन अभिक्रिया होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है, और फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन के प्रभाव के कारण ही संचारण एवं विकृत गंधिता उत्पन्न होती है। अब आगे की बात करते हैं हम, तो आगे देखिए कंकाली समीकरण प्रायः असंतुलित समीकरण होते हैं, किंतु कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंकाली समीकरण है, इसका संतुलित रूप भी यही होता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, इसको भी सेम लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सेम लिखा जाता है। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, इसको भी सेम लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको एक तरीके से और समझिए,
आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण ना हो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, और जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी कि जो उसमें भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है नए गुणों के साथ, उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, जैसे भोजन का पचना, श्वसन, दही, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया की जब आप प्रेक्षण करेंगे तो उसमें आप क्या क्या पाएंगे? उसमें पाएंगे अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। अवस्था में परिवर्तन को हम समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब आप इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर या फिर हाइड्रोजन पेराक्साइड। तो दोनों क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। रंग में परिवर्तन ऐसे ही, जैसे जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट करके ग्रीन कलर का परत बना लेता है, हरे रंग का परत बना लेता है, यानी कि यह रंग में परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन की अगर बात करें तो तापमान में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप जल को मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जो होता है, चूने में जब आप पानी को मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसी बर्तन का तापमान बढ़ जाएगा। गैस का उत्सर्जन, तो बहुत से ऐसे अभिक्रिया हैं जिसमें हाइड्रोजन और अलग अलग तरह के गैस निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, रासायनिक परिवर्तन को हम दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला तरीका है शब्द समीकरण, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं और इसे हम कहते हैं अभिकारक, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। इससे क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड में यानी कि दाएं तरफ, और इसको कहते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे जिंक को ऐसे नहीं लिख के ZL लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिख के अभिकारक में लिखते हैं, और जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख के इधर प्लस हाइड्रोजन H2, ऐसे करके इसको उत्पाद में लिखते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि इसको दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था मतलब, जैसे अगर ठोस है तो S, द्रव है तो L, जलीय विलयन है तो AQ और गैस है तो G। रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक, जैसे कि आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है तो आपके माता पिता आपको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, चाहे डांट के हो, मार के हो, जैसे भी हो, डरा के हो, तो आपको प्रेरित करते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो आपके माता पिता आपके लिए क्या हो गए? उत्प्रेरक। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैग्नीशियम को वायु में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं इसके बाद जो होता है उत्पाद, प्रतिक्रिया
प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए चरणबद्ध यानी कि एक एक करके हम इसको संतुलित करते हैं, इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ बॉक्स बना लीजिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये Fe3O4H2। अब देखिए बॉक्स बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप बॉक्स के अंदर यानी कि जो आपके पास से ओरिजिनल रासायनिक समीकरण दिया हुआ है उसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं परिवर्तन करेंगे। फिर समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या नोट करेंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे तीन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है यहाँ पे भी दो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे चार है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके इसको जो है ना सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन को अगर संतुलित करना हो तो चार यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो चार करेंगे तो ऑक्सीजन चार हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ, चार दुनी आठ और यहाँ पे दो ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी चार लगाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि आपका आयरन असंतुलित रह गया, क्योंकि यहाँ पे तीन है और यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे थ्री एफ ई, यहाँ एफ ई के इधर थ्री आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा थ्री एफ ई। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये संतुलित हो गया। और अब इसके साथ भौतिक अवस्था को लिखेंगे, जैसे ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, गैसीय अवस्था के लिए जी, जलीय विलयन के लिए एक यू। जैसे कि एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ठोस अवस्था में है, वाटर यानी गैसियस अवस्था में यानी भाप है ये, और इसके साथ क्या ये मिलके क्या बना, फेरस ऑक्साइड यानी कि ये क्या है, सॉलिड अवस्था में यानी ठोस है, और फिर है हाइड्रोजन। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब और प्रेरक तीर के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाएंगे, जैसे कि एक अभिकारक ए हो गया, दूसरा हो गया बी, तो क्या बना सी। उदाहरण कोयले का दहन, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ओ टू क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है जल का निर्माण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या है, एस टू ओ। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद आगे अगर बात करें तो ऊष्मा क्षेपी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यानी कि उत्पाद भी मिल रहा हो और उसके साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो यानी कि ऊष्मा भी निकलती हो, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऊष्मा हमें मिलती है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जैसे ग्लूकोज जब बर्न होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस ऊष्मा यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम लोग काम करते हैं। ऊर्जा क्या होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में उल्टा होता है, संयोजन अभिक्रिया का ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें उसमें हमने देखा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, अब यहाँ पे एकल अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे ए बी प्लस सी। अब देखिए जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो मुख्य रूप से तीन प्रकार से होती है, पहले वो कहते हैं ऊष्मीय वियोजन,
दूसरे को कहते हैं वैद्युत अभियोजन और तीसरे को कहेंगे आप प्रकाशीय अभियोजन। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले उष्मीय अभियोजन यानी कि उष्मा के द्वारा अभियोजन, यानी कि जब एक अभिकारक उष्मा के कारण अलग अलग हो उसे हम कहेंगे उष्मीय अभियोजन। जैसे कि जैसे यहाँ पे ये देखिए कि फेरस सल्फेट हरे रंग का है, इसको गर्म किया गया तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका रंग भूरा लाल हो गया। इसी तरीके से जब चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी तरीके से लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है। वैद्युत अभियोजन यानी कि जब अभिकारक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं वैद्युत अभियोजन। जैसे कि वाटर, जल में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं। अब इसके लिए कुछ इस तरीके से अभिक्रिया करनी पड़ती है, दो आप लेते हैं ग्रेफाइट की छड़, एक को कहते हैं कैथोड, दूसरे को कहते हैं एनोड। कैथोड ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि माइनस और ये प्लस। तो अब यहाँ पे जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि इसके इसमें हाइड्रोजन यहाँ आपका जमा होता है और ऑक्सीजन यहाँ जमा होता है। आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा जमा होगा, ऑक्सीजन कम जमा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 का रेश होता है, 2:1 का रेशियो होता है, यानी कि 2:1 होता है, यानी कि डबल होता है। फिर उसके बाद प्रकाशीय अभियोजन, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एकल उत्पाद अलग अलग होते हैं तो उसे प्रकाशीय अभियोजन कहते हैं। अभियोजन अभिक्रियाएँ अधिकतर उष्मा शोषी प्रकृति की होती हैं, यानी कि इसको अलग अलग करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो उष्मा के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो या विद्युत के रूप में हो। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी अगर उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर और ब्रोमीन। आगे अगर बात करें हम तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अगर कोई सेठ किसी ऐसे बच्चे को चाहिए जो कि आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो वह आपको उस सेठ से उठा देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए आयरन कॉपर सल्फेट, क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर। यानी कि आयरन जो है फेरस आयरन यह कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को अलग कर दिया और ये इसके साथ आ गया, यानी कि ये हो गया आयरन सल्फेट। आगे हम देखते हैं लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा, यानी कि फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ऐसा हो गया। जिंक के साथ जब कॉपर सल्फेट
की अभिक्रिया करते हैं तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये क्या करता है कॉपर को अलग कर देता है, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि ये आपस में न तो किसी को विस्थापित करता है न किसी को करता है, ये आपस में एक्सचेंज कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने दो विषय की किताब खरीदी, आपके दोस्त ने भी दो विषय की किताब खरीदी है, तो आपस में आप क्या करते हो एक्सचेंज करके, यानी कि एक दूसरे से बदल के पढ़ते हो, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है। जैसे सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और बेरियम सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे SO2 नहीं होगा, SO4 होगा। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद विलयन अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप यानी कि ठोस, जैसे कि उदाहरण के लिए दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं होती है, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट मिलकर क्या होता है लेड आयोडाइड, और ये पीले रंग का अवक्षेपण होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड मिलकर क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। आगे हम लोग देखें, आगे है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब एक साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब होता है तो ये होता है कॉपर प्लस वाटर। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, इससे ऑक्सीजन हट गया, और यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था तो इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि उपचयन अपचयन दोनों हुआ। अपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि इसका उल्टा, ऑक्सीजन की वृद्धि और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन में यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास तो यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ अपचयन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ये हुआ है उपचयन। आगे देखते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित होता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते एक साथ होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव की बात करें तो जैसे संक्षारण की अगर बात करें तो जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता यानी नमी अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के कुछ क्या है उदाहरण है। यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। इसी में गैल्वेनाइजेशन भी होता है, जिसको कि आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। यसद लेपन क्या होता है ये सब आप तीसरे चैप्टर में अध्याय तीन में पढ़ेंगे। विकृत गंधिता क्या होती है कि वसा युक्त यानी जिसमें वसा हो और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी अवस्था को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय होता है प्रति ऑक्सी कारक का उपयोग करना,
वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना, यानी कि ऐसे बर्तन में आप सामान को रखिए जिसमें हवा ना जाए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जैसे कि आप देखे होंगे चिप्स वगैरह जो आप लेते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। शीतलन यानी कि ठंडा करके। अब आइए अभी थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इसके अति लघुतरीय प्रश्न, यानी कि पहले एक बार हम सारे चैप्टर के नोट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम अति लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न इत्यादि करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो।